डीसीओ सियालकोट इमरान कुरैशी, डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मोहम्मद इकबाल संगेड़ा ने रमजान बाजार डस्का का विजिट किया। डीसी ने बाजार में मौजूद एशिया के मियार और दस्तियाबी को सराहा और काम को मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। गुजरांवाला बासरफराज का प्रॉपर्टी डीलर और इसके दोस्त पर तशद्दुद, साजद इजाज आमर और तीन नामालूम अफराद ने दोनों अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वीडियो भी बनाई। बासरफराज अबू बकर और इसके दोस्त को फायर मारकर रावलपिंडी ले गए। मुतासर अफराद ने इंदिराज मुकदमे के लिए थाना सदर कामों की पुलिस को दरख्वास्त दे दी। पुलिस बासरफराज ने खिलाफ कार्रवाई करने से गरेजा कार्रवाई नहीं की जा रही, पुलिस उल्टा डरा रही है। माल्टा में चेयरमैन सुई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब खुरम खान की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनकार किया गया। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रोजा इफ्तारी से कबल तमाम मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ की गई। इफ्तार दावत में शिरकत करने वाले शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजा इसार और कुर्बानी का नाम है, ये हमें तकवा और परहेजगारी का दर्ज देता है। जिला मुजफ्फरगढ़ के तमाम सर्कल हाई में यौम अली कियामत के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड तारक वलैद की जेर निगरानी फ्लैग मार्च किया गया। 21 रमजान यौम अली कियामत के मौके पर जिला मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलैद फ्लैग का इनकार किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में एहसास तहफ्फुज पैदा करना और जराइम पेशा नासर को बावर कराना है कि पुलिस किसी भी नागहानी वाक्य से निपटने के लिए हरदम तैयार है। पुराने पाकिस्तान के निजाम से भी लोग ना उम्मीद होने लगे। डस्का के नवाही गांव जहांगीर से गंदम की फसल से नामालूम शख्स की लाश बरामद। नाश का गंदम की कटाई के दौरान पता चला, नाश को एम्बुलेंस की बजाय ट्रॉली में लाया गया। गांव वालों ने पुलिस को इतला दी। नाश को कपड़े में बांध कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाश की हड्डियाँ ही रह गयी।